कर आप देख रहे हैं आर न्यूज। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की एक टीम दीघा के कर्मचारी बीमा अस्पताल पहुंचे। श्रम मंत्रालय की टीम यहां पर कर्मचारियों को तकलीफों की देख रेख करने पहुंची थी। टीम के सदस्य होने के नाते पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पाया कि इस अस्पताल की स्थिति काफ़ी जर्जर है। बरसात में कैंपस में पानी जमा हो जाता है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस अस्पताल में डॉक्टर और टेक्नीशियन की कमी पाई गई। साथ ही इस अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों को दवा भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन कमियों पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि यहाँ इलाज कराने आए कर्मचारी राज्य सरकार के जिम्मे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पाई गई कमियों को दूर करने के बारे में राज्य सरकार से बात की जाएगी। गौरतलब है कि कर्मचारी बीमा अस्पताल को राज्य सरकार ही संचालित करती है। बीमा निगम एक बड़ी टीम आई है जो कर्मचारियों को जो ना आईपीज हैं उनके देखरेख के लिए जो व्यवस्था श्रम मंत्रालय के माध्यम से दिया जा रहा है सेवा, वहाँ क्या दिक्कत है, क्या कमी है, उसको देखने का काम बिहार में आई है कमेटी, जिसका मैं एक सदस्य भी हूँ, और अन्य चार पांच अधिकारी बड़े अधिकारियों की टीम आई है। जो दीघा में जो डिस्पेंसरी है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जो यहाँ स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों के लाभ के लिए ये डिस्पेंसरी खोला गया है, उसकी जांच तो नहीं कही है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने आए हैं। और हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित ये जो डिस्पेंसरी है उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। और तो निश्चित तौर पर भी और भी हम लोग हमारे जो अन्य डिस्पेंसरी हैं या हॉस्पिटल हैं उसका भी मुआयना करेंगे, और उसमें आईपीज को जो कर्मचारी हैं बेचारे उनको कैसे अच्छी सुविधा मिल सके उसकी चिंता भारत के श्रम मंत्रालय ने की है। और उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं कि यहाँ जो इलाज करा रहे हैं जो गरीब कर्मचारी हैं, जो मेहनत कश कर्मचारी हैं, उनको कठिनाई ना हो और अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, क्योंकि उनका पैसा ही कटता है। एक एक मजदूर है, सबका पैसा कटता है और उसी से ये कॉर्पोरेशन रन करती है, तो उनकी सुविधा देना भारत सरकार का विशेष दायित्व बनता है। और हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ कमी आई जिससे कर्मचारियों को यहाँ के जो स्थानीय स्तर के जो मजदूर हैं उनका दिक्कत का समाधान हो जाए। स्थानीय